कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोरोना टीकाकरण अभियान पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन न होने के आरोप लगाए हैं। राजधानी के रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष विरोध जताते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देश की तर्ज पर ही अब हिमाचल में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है। राजधानी शिमला के रिज मैदान स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष टीकाकरण अभियान की धीमी गति पर चिंता जताते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले कुछ समय में कोविड संक्रमण के कारण मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। प्रदेश सरकार इस पर काबू पाने में पूरी तरह से असफल रही है। कुलदीप राठौर ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन जो बंदिशें लगाई हैं वो नाकाफी हैं। राठौर ने सरकार से कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का समय 45 दिन से 72 दिन करने पर भी हैरानी जताई। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या समय अवधि किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह से बढ़ाई गई है या देश में टीकों की कमी के कारण इसकी अवधि को 45 से 72 दिन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि सरकार कोरोना टीकाकरण प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रही है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे तो पूरे देश में जो कोरोना की महामारी है रौद्र रूप ले लिया, लेकिन हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है वो भी इस मामले में देश से पीछे नहीं। जिस ढंग से लगातार मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, रोज़ 50-60 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, लगभग 2300-2400 के करीब मौतों का आंकड़ा जो है पहुंच चुका है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हमने सरकार से शुरू में भी मांग की कि सख्ती बरतनी चाहिए, हालांकि कोरोना कर्फ्यू लगा है, इसमें भी कितनी विसंगतियाँ वो हम बार बार इंगित कर चुके हैं, और मुझे लगता नहीं कि ये जो कोरोना कर्फ्यू है इससे जो है लगाम लग पाई है। गाँव में स्थिति और ज़्यादा बदतर है, शहरों में तो सिस्टम लगभग कोलैप्स हो गया है, गाँव में तो मेडिकल सिस्टम है ही नहीं। लगातार गाँव में मामले बढ़ रहे हैं, कोई टेस्टिंग की सुविधा है नहीं। हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि टेस्टिंग जो है सुविधा गांव तक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप अगर देखेंगे कि जो टेस्ट हो भी रहे हैं उनकी रिपोर्ट एक एक हफ्ते बाद आ रही है, उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहता। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पहले जो कोविशील्ड का टीका लगा उस वक्त कहा गया कि 28 दिन के बाद जो है दूसरा टीका लगेगा, और अचानक ही अवधि बढ़ा दी गई। अब कह रहे हैं कि 14 हफ्ते के बाद लगेगा, तो ये भी संकेत क्यों? अब या तो कोई विशेषज्ञों की रिपोर्ट हो कि ये 14 हफ्ते बाद भी ये जो पहला टीका है वो कारगर रहेगा। मुझे ये लगता है कि सरकार के पास टीके की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, इसलिए ये जो है कदम उठाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।